इनका नाम ही पावर स्टार है, वो तो रहना ही है। और कौन कौन से गाने जो है खेसारी भैया के साथ लेके आ रहे हैं? सावन के बाद हमारे भी कंपनी से गाना आएगा भैया का, वेब म्यूजिक से आएगा। खेसारी भैया के साथ प्रियांशु सिंह जी का गाना क्यों नहीं आ रहा है, कोई वजह है जो अपने ऑडियंस को शेयर करना चाहिए? अभी तो आया ही था आम के स्वाद ना, तो आप भी खुद बताए ना कि वो पुराना है। हाँ। अभी लेटेस्ट में आएगा, कुछ ऐसा गाना अभी बनाया नहीं है और बनेगा तो बिल्कुल सुनने को मिलेगा जी। यानी कि जल्द आने की तैयारी है, खेसारी भैया के साथ भी प्रियांशु सिंह जी दिखेंगे? क्यों नहीं दिखेंगे, वो भी हमारे बड़े भैया हैं। प्रियांशु सिंह जी काफी नाराज थे, काफी दुखी लग रहे थे, फेसबुक पे पोस्ट करते हैं कि मैं अपने लोगों के बनाए हुए जाल में फंस गया, क्या हुआ था, कुछ बताना चाहेंगे क्या वाकया है? ये सब पब्लिकली क्या ही बोल सकते हैं, बस कुछ ऐसे लोग होते हैं जीवन में जो कि जिनसे जिनको इंसान अपना मानता है, जिनको। बनारस में जो अवार्ड्स हुआ है उसमें प्रियांशु भैया का भी नाम था, प्रियांशु सिंह जी उस अवार्ड से कितना ज़्यादा खुश हैं? उस अवार्ड से बिल्कुल हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का इस साल का हमको अवार्ड मिला, तो कहीं ना कहीं ये इसमें सबसे बड़ा देन हमारे जीवन में बड़े भैया पावर स्टार पवन भैया है। जब से भतार गले नासिक भइल सौतेनिये के आसिक, अच्छा इस टाइप का अगर कोई गाना होता है जैसे प्रियांशु सिंह जी का म्यूजिक है, आशुतोष तिवारी जी का लिरिक्स है, तो आप लोग इस पे वीडियो पे ध्यान नहीं देते कि भाई इसका वीडियो जो है कैसा बना दिया गया, उसका वीडियो ऑडियंस के अनुसार बहुत ज़्यादा वल्गर बना दिया गया? देखिए हम म्यूजिक करते हैं, संगीत करते हैं, आंसू गाना लिखते हैं, तो हम लोग अपना गाना करके दे दिए, बाकी वो वीडियो आर्टिस्ट पर निर्भर कि वो कैसा कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है, क्या इस टाइप का वीडियो होना चाहिए, क्योंकि प्रियांशु सिंह जी का भी उसके अंदर नाम जुड़ा हुआ है, आशुतोष तिवारी जी का भी नाम जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखना चाहिए या नहीं, आगे से उसको बोलना चाहिए कि भाई इस टाइप का वीडियो अगर हमारा नाम है तो इस टाइप का वीडियो, इतना वल्गर वीडियो जो है मत बना? कोशिश हमारी यही रहती है और हम सबसे बोलते हैं कि कुछ अच्छा गाना करें। अभी हाल ही में प्रियांशु सिंह जी और शिवानी सिंह जी थार लेने गए हुए थे, ये थार प्रियांशु सिंह जी ने शिवानी सिंह को गिफ्ट किया है, शिवानी जी ने खुद खरीदा है? शिवानी जी ने खुद लिया है और स्पेशल थैंक्स हम पवन भैया को बोलेंगे कि वो मौका दिए मेरे कहने पे एक बार। तो आज हरी हरी उड़नी इतना बड़ा गाना नहीं होता, चाहे पियर फराक वाली इस लगन का बड़ा गाना नहीं होता, चाहे राजा जी के दिलवा हो, चूड़ी हरी हरी हो, बहुत सारे ऐसे गाने हैं कि इतना सारा गाना आप लोग हिट कर दिए हैं कि नाम तो याद नहीं है। भैया अभी हाल ही में पवन भैया और खेसारी भैया मिल गए हैं, देख करके प्रियांशु सिंह जी को पर्सनली कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही मिलजुल के हम लोग काम करेंगे तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो दोनों अगर मिल जाएँ, और इंडस्ट्री के देखिए दोनों धरोहर हैं और ये इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी जी। कहीं ना कहीं ऑडियंस इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज हैं, क्यों मिल गए, इन लोगों ने अपने स्वाभिमान से समझौता कर लिया? को देखिए स्वाभिमान से समझौता नहीं होता है, ये उनका बड़प्पन है कि वो मिल गए। कि हम तो देवा घर से अब के काहे लगल तू दिया जस भवके कि तोहर बत्ती उतर गइल चित से बाकी लइनी हा घर भरल सबके। तो शिवानी का लाइन था कि कके तू हमारा से गईला हो बात बड़ी बड़ी तो काहे न जी जाले अईला हो चूड़ी हरी हरी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग देख रहे हैं स्टार न्यूज। दोस्तों हमारे साथ भोजपुरी के बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हमारे साथ प्रियांशु सिंह जी है। प्रियांशु भैया सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, कैसे? नमस्ते, स्टार न्यूज के देखे वाला जितना भी हमारे घर के परिवार में सबके ओके, आप सबके छोट भाई प्रियांशु सिंह के प्यार भरे नमस्कार। भैया हरी हरी चूड़ी आया और ऑलमोस्ट लगभग 15 दिन में 15 मिलियन क्रॉस हो गया। बिल्कुल, ये आप सबके प्यार बा और सही प्यार बरसत रहो, हमने के तो कोशिश कर बढ़िया करेगा। पवन भैया का इस सावन में जितने भी गाने आए हैं उसमें सबसे बेस्ट जो है इसी का ये मार्केट में सुनने को मिल रहा है। ये सब ऑडियंस का प्यार है और हम लोग तो उम्मीद रखते हैं कि जब भी कुछ अच्छा करें और उसको बहुत पसंद करें लोग, बस कोशिश है। भैया ऑडियंस कुछ नाराज भी हैं आपसे, आशुतोष तिवारी जी से, इसलिए नाराज हैं कि पवन भैया का इस सावन में 2 महीने का सावन है और सिर्फ 4 गाने ऑडियंस को सुनने को मिले। अभी बहुत सारे गाने हैं, मेरे द्वारा बनाया गया 2 गाना है और विजय जी भी कुछ किए हैं, कुछ अरुण जी किए हैं, तो तमाम सारे गाने हैं और सब गाने को प्यार आशीर्वाद दीजिए। बैक टू बैक गाना आएगा, यानी कि आएगा। अच्छा इसके बाद लोकगीत की कौन कौन सी गाने की तैयारी हो चुके हैं? अभी हाल ही में ये पता चल रहा है कि भैया लंदन जा चुके हैं, आज से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले ही उनका फ्लाइट था। कल रिकॉर्डिंग थी मुंबई में, रिकॉर्डिंग हो गई बटे आप सबके बीच, आज चाहे कल पोस्टर सावन के देखे के मिली MMB रिकॉर्ड चैनल से, जो उनकी हमार म्यूजिक बा और आशू जी के गाना लिखल बा, और बाद सावन के बाद बैक टू बैक बहुत सारी कंपनी के शूटिंग भइल बा, आप सबके बीच में सुने के देखे के मिली। भैया ट्रेंडिंग सेक्शन जो है अभी भी जाम पड़ा हुआ है, हरी हरी चूड़ी से, फिर पियर फराक वाली से, राजा जी के दिलवा टूट जाई, मतलब ये तमाम गाने से ट्रेंडिंग सेक्शन अभी तक आप लोग जाम करके रखे हुए हैं। हम क्यों जाम करेंगे, जिनका नाम ही पावर स्टार है वो तो रहना ही है, बस हम लोग कोशिश करते हैं।
अच्छा कुछ दिन पहले देखे थे प्रियांशु सिंह जी काफ़ी नाराज थे, काफ़ी दुखी लग रहे थे, फेसबुक पे पोस्ट करते हैं कि मैं अपने लोगों के जाल में ही बना अपने लोगों के जलाए बनाए हुए जाल में फंस गया। क्या हुआ था, कुछ बताना चाहेंगे क्या वाक्य है? ये सब पब्लिकली क्या ही बोल सकते हैं, बस कुछ ऐसे लोग होते हैं जीवन में जो कि जिनसे जिनको इंसान अपना मानता है, जिनको जिनसे उम्मीद रखता है लोग, अगर वो कुछ हमारे बारे में उल्टा सोचे और कहीं और से पता चले अब बात सच हो तो तकलीफ होती है, बस और कुछ नहीं जी। यानी कि अंदरूनी ऐसा कुछ बहुत बड़ा मामला नहीं है जिसको जी। भैया और तमाम कौन कौन से गाने जो है किस किस कंपनी से आने वाले हैं? प्रियांशु सिंह जी के अपने म्यूजिक चैनल जो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले खुला था, आप बोले थे कि बहुत जल्द गाना आएगा, लेकिन उससे पवन से भैया का गाना देखने को नहीं मिला। सावन के बाद हमारे भी कंपनी से गाना आएगा भैया का, वेब म्यूजिक से आएगा, फिर MMB रिकॉर्ड से आएगा, DRS म्यूजिक चैनल से आएगा, JVK एंटरटेनमेंट से आएगा, गणनायक फिल्म से आएगा, DRJ रिकॉर्ड से आएगा, तमाम सारी कंपनियाँ हैं, आदिशक्ति फिल्म से सबसे गाना है। मीरा म्यूजिक का नाम क्यों नहीं? हम तो बोले कि मेरे कंपनी से, पहले ही तो बोले मीरा म्यूजिक से तो आना ही है जी। भैया अभी हाल ही में हम लोग देखें आप खेसारी भैया के भी कुछ गाने में आपका म्यूजिक सुनने को मिलेगा, आम का स्वाद जो था उसमें, फिर उसके बाद एक मतलब सावन का गाना भी पावर स्टार पवन सिंह जी के, तो तमाम दो गाने में आपका म्यूजिक देखने को मिला, एक खेसारी लाल जी के गाने में म्यूजिक देखने को मिला, और कौन कौन से गाने जो है खेसारी भैया के साथ लेके आ रहे हैं? अभी तो फिलहाल कोई गाना नहीं है, सब गाना पहले का था तो कुछ गाना किए नहीं है, जब भी ऐसा कुछ होगा तो अपडेट करेंगे। और एक कंपनी और है AJ फिल्म्स करके, उससे भी लोकगीत देखने को मिलेगा भैया का, सुनने को मिलेगा जी। एक गाना भी हाल ही में ऑडियंस ने देखा, बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया उसका जी जी जी। भैया और भी चाहेंगे और तमाम किन कलाकार के साथ जो है प्रियांशु भैया का गाना जो है आ रहा है? सबके साथ आ रहा है, प्यार आशीर्वाद सबके साथ मिलता है, और विशेष करके भैया के साथ गाना आएगा तो जैसे प्यार आशीर्वाद मिल रहा है मिलते रहे। और उसके और एक चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, अभी हाल ही में बनारस में जो अवार्ड्स हुआ है उसमें प्रियांशु भैया का भी नाम था, प्रियांशु सिंह जी उस अवार्ड से कितना ज़्यादा खुश हैं? उस अवार्ड से बिल्कुल, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का इस साल का हमको अवार्ड मिला, तो कहीं ना कहीं ये इसमें सबसे बड़ा देन हमारे जीवन में बड़े भैया पावर स्टार पवन भैया का है, नीलकमल जी का है, सबका है, जितने भी ऑडियंस हैं हमारे जिनके साथ मैंने काम किया है, गल्लू जी हूँ, तो तमाम सारे गाने को प्यार मिल रहा है, तमाम सारे आर्टिस्ट मुझे प्यार करते हैं, बस इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। प्रियांशु भैया खुद उस अवार्ड को लेने नहीं गए, बहुत ज़्यादा बिजी हैं क्या? थोड़ा काम की वजह से हम नहीं जा पाए, लेकिन वो आंसू जी गए हुए थे जी। भैया अभी हाल ही में एक और गाना देखने को मिला था इनके साथ, क्या बोलते हैं गोलू गोल्ड जी के साथ, गाना है कि जब से भतार गले नासिक भइल सौतिनिये के आसिक। अच्छा इस टाइप का अगर कोई गाना होता है जैसे प्रियांशु सिंह जी का म्यूजिक है, आशुतोष तिवारी जी का लिरिक्स है, तो आप लोग इस पे वीडियो पे ध्यान नहीं देते कि भाई इसका वीडियो जो है कैसा बना दिया गया है, उसका वीडियो ऑडियंस के अनुसार बहुत ज़्यादा वल्गर बना दिया गया है? देखिए हम म्यूज़िक करते हैं, संगीत करते हैं, आंसू गाना लिखते हैं, तो हम लोग अपना गाना करके दे दिए, बाकी वो वीडियो आर्टिस्ट पर निर्भर है कि वो कैसा कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, चाहे वो कंपनी डिसाइड करती है किस हिसाब से शूट करना, तो हम लोग ज़्यादा नहीं सारे मैटर में पड़ते हैं जी। लेकिन क्या लगता है, क्या इस टाइप का वीडियो होना चाहिए, क्योंकि प्रियांशु सिंह जी का भी उसके अंदर नाम जुड़ा हुआ है, आशुतोष तिवारी जी का भी नाम जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखना चाहिए या नहीं, आगे से उसको बोलना चाहिए कि भाई इस टाइप का वीडियो अगर हमारा नाम है तो इस टाइप का वीडियो, इतना वल्गर वीडियो जो है मत बना? कोशिश हमारी यही रहती है, और हम सबसे बोलते हैं कि कुछ अच्छा गाना करें, और अच्छे गाने को प्यार ऑडियंस देती है। आज अगर अच्छे गाने को पसंद नहीं करते तो आज हरी हरी उड़नी इतना बड़ा गाना नहीं होता, चाहे पियर फराक वाली इस लगन का बड़ा गाना नहीं होता, चाहे राजा जी के दिलवा हो, चूड़ी हरी हरी हो, बहुत सारे ऐसे गाने हैं कि इतना सारा गाना आप लोग हिट कर दिए हैं कि नाम तक याद नहीं है, बट अच्छे अच्छे गाने हैं, कोई भी वल्गर सॉन्ग नहीं है, चाहे वो पवन भैया गाए हों, चाहे वो नीलकमल गाए हों, चाहे हमारे कल्लू जी गाए हों, तमाम सारे गानों को प्यार मिल रहा है। अभी हाल ही में प्रियांशु सिंह जी और शिवानी सिंह जी थार लेने गए हुए थे, कंफर्म करना चाहेंगे कि ये थार प्रियांशु सिंह जी ने शिवानी सिंह को गिफ्ट किया है या शिवानी जी ने खुद खरीदा है? शिवानी जी ने खुद लिया है, और आज कुछ भी हो बहुत बड़ा योगदान हमारे ऑडियंस का है कि लोग पसंद कर रहे हैं, और स्पेशल थैंक्स हम पवन भैया को बोलेंगे कि वो मौका दिए मेरे कहने पर एक बार, क्योंकि देखिए कुछ भी हो, आज इंसान कुछ भी हो जाए उसके लिए सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता, तो वो सपोर्ट किए
तो दिल से थैंक यू उनको मेरे तरफ से। अंततः चाहेंगे भैया, आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे, बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, अंततः चाहेंगे हरी हरी चूड़ी जो है दो लाइन हो जाए। कि हम तो आई नहीं देवा घर से अब के काहे लगल तू दिया जस भवके कि तोहर बत्ती उतर गइल चित से बाकी लइनी ह घर भरल सबके। तो शिवानी का लाइन था कि कके तू हमारा से गइल हो बात बड़ी बड़ी तो काहे न जीजा ले अइल हो चूड़ी हरी हरी। भैया अभी हाल ही में पवन भैया और खेसारी भैया मिल गए हैं, देख करके प्रियांशु सिंह जी को पर्सनली कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही मिलजुल के हम लोग काम करेंगे तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो दोनों अगर मिल जाएं। और इंडस्ट्री के देखिए दोनों धरोहर हैं और ये इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी जी। कहीं ना कहीं ऑडियंस इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत सारे ऑडियंस का कमेंट आ रहा था कि क्यों मिल गए इन लोगों ने, अपने स्वाभिमान से समझौता कर लिया। देखिए स्वाभिमान से समझौता नहीं होता है, ये उनका बड़प्पन है कि वो मिल गए। वो एक ऐसे इंसान है कि उनको कोई कुछ भी बोल दे लेकिन वो बोलते हैं छोड़ो जाने दो, गलती ना कहलास, माफ़ी मंगलो सुनो तो माफ़ कर देते हैं। हमसे कभी कभी बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हो गई हैं कि हम एक बार मिल के बात कर लेते हैं तो वो माफ़ कर देते हैं। अच्छा, लेटेस्ट में खेसारी भैया के साथ प्रियांशु सिंह जी का गाना क्यों नहीं आ रहा है, कोई वजह है जो अपने ऑडियंस को शेयर करना चाहिए? अभी तो आया ही था आम के स्वाद ना, तो आप ही खुद बताए ना कि वो पुराना है। हाँ। अभी लेटेस्ट में आएगा, कुछ ऐसा गाना अभी बनाया नहीं है और बनेगा तो बिल्कुल सुनने को मिलेगा जी। यानी कि जल्द आने की तैयारी है, खेसारी भैया के साथ भी प्रियांशु सिंह जी दिखेंगे? क्यों नहीं दिखेंगे, वो भी हमारे बड़े भैया हैं। चलिए भैया, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और स्टार न्यूज़ को देखने वाले जितने भी हमारे परिवार हैं सबको इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को बड़ा बनाइए। चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।